आज की हमारी इस क्लास ठीक है में सर, हम स्टार्ट। बात ठीक है कर रहे हैं सिलेक्शन की, सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम जब तक डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको मान लीजिए कि किसी भी तरह का काम करना हो, जैसे आपको पिवट लगाना, आपको फिल्टर लगाना हो, आपको कॉपी पेस्ट करना हो, कुछ भी चीजें करनी हो, नीड टू सिलेक्शन। जब तक डेटा को सिलेक्ट ना करेंगे तब तक आपका वर्क नहीं होगा, राइट सर। करेक्ट। तो डेटा को सिलेक्ट करने के कुछ तरीके हैं, ये तरीके हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला, जैसे माउस आप सिलेक्शन तो नॉर्मली क्लिक करते हुए कर लेते हैं, अगर माउस से ही क्लिक करें तो एक और तरीका है कि आप स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर लें। क्या बताया आपने? सबसे पहले ऊपर वाले को आप सिलेक्ट किसी भी, करें। देखिए होता क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं, अगर मैं नॉर्मली हाँ यहाँ क्लिक करता हूँ तो जस्ट ये मूव हो रहा है, राइट। ठीक। लेकिन अगर मैं यहीं पे शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो मूव नहीं होगा, कर्सर कंटिन्यू होगा, अच्छा, ठीक है। तो ये क्या करना है? मतलब मेरे को यहाँ पे शिफ्ट मतलब जाके जी किसी जी सेल में स्टार्टिंग पे ये कर। आप स्टार्टिंग पे क्लिक कीजिए डेटा के, अपने शिफ्ट की को होल्ड कीजिए और लास्ट में क्लिक कर दीजिए, योर डेटा विल बी ओके, सिलेक्टेड। समझ गए। ऐसे और की कंट्रोल जो, ए करेंगे तो पूरा सीट हाँ सिलेक्ट हो मैं वो जाएगा। सब कुछ मैं समझा रहा हूँ, आप वन बाय वन देखिए, सब कुछ ठीक समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाद में आपको ठीक क्वेश्चन पूछने का भी मौका दूंगा। तो दूसरा है कि आप शिफ्ट के साथ एरो की यूज करते हैं तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है, राइट सर। तो आप कंट्रोल, जैसे आपने बताया कि कंट्रोल ए कर सकते हैं, जी हाँ कंट्रोल ए कर सकते हैं, डेटा सिलेक्ट हो जाता है। बट ये आपको जानना पड़ेगा कि जो कंट्रोल ए है वो ट्रिगर किसको करता है। वो बेसिकली ट्रिगर करता है होम के अंदर ही हमारे सामने होता है फाइंड एंड सिलेक्ट, इसी के अंदर होता है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे अच्छा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहीं पे दिखेगा करेंट रीजन, करेंट रीजन पे क्लिक करके ओके कीजिए, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, जो आपने शिफ्ट के थ्रू बताया था। नहीं, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, क्योंकि हर टॉपिक जो शॉर्टकट यूज करते हैं उसका एक मेनू बार के अंदर कमांड भी होता है। जैसे कंट्रोल सी करते हैं समझ तो गया। कंट्रोल सी का यहाँ है, कंट्रोल बी का यहाँ है, उसी तरह से कंट्रोल ए जो है वो ओके फाइंड एंड सिलेक्ट गो ठीक टू स्पेशल और इसके अंदर करेंट रीजन को फॉलो करता है। तो जनरली हम लोग कंट्रोल ए करते ओके हैं। एक बार कंट्रोल ए करेंगे तो जस्ट आपका डेटा सिलेक्ट होगा, लेकिन जब से मैं दो बार करूंगा तो पूरी की पूरी सीट सिलेक्ट होगी। एक बार सेलेक्ट करने में क्या ओके होगा, जस्ट मेरा डेटा सेलेक्ट होगा, और दो बार करूंगा तो पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट चीट होगी, सेलेक्ट हो। राइट सर। राइट 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 अब यहाँ पे ए हो गए, अब पूरी शीट सेलेक्ट करनी है तो ए और वन के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे भी क्लिक करके पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट ओके सर। राइट। सिलेक्शन की बात आती है तो एक तरीका और है। अब देखिए कंट्रोल ए जो आप करते हैं उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपके पास ब्लैंक रो है। अब मैं सिलेक्ट ए करूंगा, सिलेक्ट ऑल करूंगा तो आप देखेंगे कि नीचे वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ब्लैंक रो मिलेगा वो रुक जाएगा, जैसे ही ब्लैंक रो मिलेगा वो रुक जाएगा, उसके नीचे के गया। जीरो पे सिलेक्ट नहीं करेगा, राइट। ऐसी आपकी कॉलन है तो कंट्रोल ए, तो उस समय ही सब्जी की जरूरत पड़ेगी जब डेटा में काफी जरा ब्लैंक्स वगैरह हो, तो इस तरह की सिलेक्शन की जरूरत आपको पड़ती है। एक तरीका और है, आप यहीं पे हमारे पास एक होता है होम टैब, होम और एंड, होम एंड एंड जो सबसे लास्ट में देख पा रहे हैं पहुंच जाता है। तो अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंड करता हूं तो मेरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड, शिफ्ट एंड या कंट्रोल शिफ्ट एंड किया, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एंड किया तो डेटा मेरा सिलेक्ट होगा, लेकिन जहां से कर्सर होगा वहीं से पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे कुछ लिख दिया, राइट, लिखने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब कंट्रोल यहां पे सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड करता हूं तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है, वो एरिया सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि क्योंकि वो एरिया भी कैप्चर था पहले। हाँ बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट एंड या कंट्रोल शिफ्ट होम जो है
वो आपके यूज्ड एरिया को सिलेक्ट करता है, किसको करता है, ओके यूज्ड एरिया को, जी हाँ जो एरिया यूज्ड है उसको सिलेक्ट करता है, ओवरऑल एरिया को नहीं, जो एरिया यूज है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करता उसको, है, ओके ठीक है। ठीक है सर, उससे बाद कर्सर मूव करना हो तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो अप एरो लेफ्ट और डायरेक्टली कर्सर को आप मूव कर सकते हैं, जैसे मैं सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो, राइट में जाना है राइट एरो, अप में जाना अप एरो, लेफ्ट में जाना है लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, अब बात करते हैं मल्टीपल सिलेक्शंस की, तो कंट्रोल को होल्ड कीजिए और जहां जहां आप क्लिक करना चाहते हैं वहां वहां आप क्लिक कीजिए, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। ओके बट इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी नहीं होगा सर, ओके बाकी चीजें डिलीट हो गया, कलर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं बट कॉपी नहीं कर सकते। आप कॉपी करना चाहते हैं तो आपको एक सीक्वेंस में सिलेक्ट करने पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने एक ही सीक्वेंस, रो वाइज या कॉलम वाइज, रो वाइज देखिए नहीं, सीक्वेंस में से हमने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक से लेके तीन सिलेक्ट किया या चार सिलेक्ट किया तो दूसरे कॉलम में अगर जरूरत है तो हमको पूरा ही सिलेक्ट करना होगा इस तरह से। ये भी कंट्रोल दबा के कर रहे हैं क्या? हाँ, आपको कंट्रोल की को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल की को होल्ड कीजिए और दूसरा को सिलेक्ट कीजिए या तीसरा वो कीजिए या चौथा वो कीजिए, तो ये तो कॉपी हो जा रहा था बट पहले वाला जो इंडिविजुअल सेल था वो कॉपी नहीं तो हो वही रहा तो था, मैं क्यों? आपको बता रहा था कि सीक्वेंस, जैसे कि आपने कॉलम ए में चार रो लिया है तो कॉलम डी के अंदर भी चार रो ही होना चाहिए, ई के अंदर भी सेम चार रो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं अगर जी पांच में रो हो अगर जाएगा तो चार नहीं सिलेक्ट होगा, कर ले तो नहीं होगा, अभी कॉपी नहीं होगा, ओके ठीक है। मतलब जो जो रो जो कॉलम आपने पहले सिलेक्ट किया है वही बाकियों कॉलम के अंदर भी वही रो और कॉलम सिलेक्ट होना चाहिए, चाहे एक कीजिए चाहे एक से इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, ऐसे ही सी कॉलम में मैं सेम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो मैं इसको कॉपी, सकता कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक समझ गया आ गया। है, आ गया सर। तो मल्टीपल सिलेक्शन जरूरी नहीं कि फाइल माने कि सीट के अंदर डेटा के अंदर ही, आप मल्टीपल शीट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल शीट, जैसे ओके मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे शीट्स हैं सारे शीट्स के अंदर मैं मान लीजिए डेट लिखना चाहता हूं ए टू के ऊपर, तो मैं अपना शिफ्ट की को होल्ड करूंगा, किसको होल्ड करूंगा, शिफ्ट की को, शिफ्ट की, और लास्ट में क्लिक कर दूंगा, जितने भी शीट्स है सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे, ऊपर आप देखिए ग्रुप फोर आ गया सर, हाँ बुक फोर ग्रुप, ग्रुप आ गया ना। अब यहाँ पे ग्रुप हम आ गया, डेट और यहाँ पे डेट डाल दीजिए तो देखिए हर शीट के ए टू में आपका डेट मिल जाएगा, हर शीट के ए टू, यस। इसमें क्या ऐसा करना होगा सर, शिफ्ट दबा के, स्टार्टिंग में क्लिक कीजिए, शिफ्ट की को होल्ड कीजिए, लास्ट में क्लिक कीजिए, ओके। ठीक है, लेकिन सब बीच में जो फिर टाइप करना है सर, वो डेट वगैरह, हाँ तो आपका अब इस पर टाइप किसी भी सीट पे करेंगे सब पे हो, अभी सिलेक्ट कर लिया ना ओके तो मुझे किसी एक सीट पे हाँ, ही टाइप करना है, वो साइड कार्बन कार्बन कॉपी बाकी की तरह सारे सीट में सिलेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, वो कार्बन कॉपी की तरह हो जाएगा सर, याद है ना पहले हम ओके यूज करते थे हम लोग कार्बन कॉपी, एक के नीचे दो तीन करेक्ट सीट करेक्ट लगा करेक्ट, देते थे हाँ। तो सबसे पहले उसी, मेरे को शिफ्ट दबा के रखना है, पहले सेल के सीट पे क्लिक करना है लास्ट और उसके बाद लास्ट सीट के सिलेक्ट इस पे क्लिक करना है, शीट पे क्लिक करना है, हाँ ऑटोमेटिक जो सीट ओपन रहेगा वहां पे जाकर डेट डालेंगे, बाकी सारे में डेट चला हाँ जाएगा, हाँ बीच के सारे सीट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर सीट, मैं अपने हिसाब से सीट चूज करना चाहता हूँ, मैं ओवरऑल नहीं लेना चाहता, तो मैं कंट्रोल की को होल्ड करूंगा, किसको, कंट्रोल की, अब मैं जहां जहां क्लिक करूंगा सिर्फ उसी सीट पे वर्क होगा, वही सीट सिलेक्टेड, मान लीजिए मैं टाइम लिखा और यहाँ पे टाइम डाल दिया तो सिर्फ जो है वो सीट वन सीट फाइव सीट सेवन सीट थ्री पे गया, सीट फोर पे देखिए नहीं है, नहीं ओके है, सीट फाइव नहीं पे है, सीट सेवन पे है, है, सीट थ्री पे है,
तो मल्टीपल सिलेक्शन हम कंट्रोल या शिफ्ट दबा के कर सकते हैं, मल्टीपल सीट सिलेक्शन या मल्टीपल सेल सिलेक्शन हम कंट्रोल और शिफ्ट दबा के कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबाते हैं तो कंटिन्यूअस सिलेक्ट होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है, और शिफ्ट दबाते हैं तो कंटिन्यूअस सिलेक्ट होगा, और कंट्रोल दबाते हो तो जिसपे क्लिक करोगे वही सिलेक्ट होगा, चाहे वो शीट हो चाहे वो सेल्स। ओके समझ में आ गया आगे 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 विदाउट इसमें सर?